की धरती प्रयागराज एक और भी संकेत और दुनिया में जाता है कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में नमन करते हुए आज हम आए देश भर के युवाओं के बीच में और देश भर की जनता के बीच में एक संदेश देने के लिए कि महात्मा गांधी जी की जो सोच स्वच्छता की थी उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान क्लीन इंडिया प्रोग्राम युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश भर में चला रहा है। उसकी शुरुआत प्रयागराज से आज की जा रही है और 75 लाख किलो प्लास्टिक और कूड़ा देश भर से इकट्ठा करके हम देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। मैं धन्यवादी हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का, युवा कार्यक्रम खेल मंत्री भाई उपेंद्र तिवारी जी का कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर और हमारी स्थानीय सांसद जी का कि जिन्होंने समय निकाल कर आज इसमें जुड़े हैं। लेकिन मेरा निवेदन रहेगा देश भर के युवाओं से और देश भर के सभी समाजसेवी संस्थाओं से, शिक्षण संस्थाओं से, सरकारी कर्मचारियों से, धार्मिक गुरुओं से कि आप कृपया करके आगे आएं, एक एक दिन चुनें और आकर देश का सबसे बड़ा अभियान और मैं तो कहूँगा दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान जहाँ एक मंत्रालय 75 लाख किलो प्लास्टिक और कूड़ा देश भर में से स्वच्छता अभियान के अंतर्गत इकट्ठा करेगा और विश्व रिकॉर्ड भी बनाएगा। एक चीज़ आज़ादी के 75 वर्ष जहाँ देश मना रहा है और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ये प्रयास किए गए कि हर जिला में जहाँ पर आज़ादी दिलाने में जिन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही उनको याद भी किया जाए, जिनको एक एजेंडा के तहत शायद आज़ादी के बाद देश के लोगों तक उनकी गाथाओं को, उनके योगदान को पहुंचने ही नहीं दिया था। ऐसे अनसंग हीरोज़ भी जिनकी बहुत बड़ी भूमिका देश के आज़ादी के उस पूरे संग्राम में रही उनको भी लोगों तक नहीं, केवल एक परिवार तक उसको सीमित करने का प्रयास किया गया। लेकिन आज जब हम आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हर जिला से वहाँ के युवा स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों को, ऐसे लोगों को जिनका बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा, उनकी बातों को लेकर भी जन जन तक पहुंचा रहे हैं, पाठ्यक्रम में शामिल होगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वह शौर्य गाथा पाठ्यक्रम तक ही सीमित ना हो, जन जन के दिलों तक, दिलों दिमाग तक बैठाने का काम आज की युवा पीढ़ी का और सरकारों का भी है और उसको हम अच्छी तरह से निभाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।